पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के वैज्ञानिकों ने समंदर के पानी से रिकॉर्ड यूरेनियम निकालकर ऐसा कारनामा कर दिखाया कि इस रेस में दौड़ रहे अमेरिका, जापान और चीन जैसे देश बहुत पीछे छूट सकते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों का ये वो कमाल है जो देश को दुनिया में न्यूक्लियर पावर किंग बना सकता है और इस पृथ्वी को खत्म होने से बचा सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज वो बला है जो दुनिया को खत्म करने पर तुली है। इस क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए लगभग सभी देश परमाणु ऊर्जा जैसी रिन्यूएबल एनर्जी के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए यूरेनियम की जरूरत बढ़ती जा रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि परमाणु प्लांटों को चलाने वाला यूरेनियम बहुत ही लिमिटेड है। धरती पर मौजूद यूरेनियम का भंडार अब खत्म होने के कगार पर पहुंचता जा रहा है और एक सदी के अंदर वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यानी जितने बड़े पैमाने पर यूरेनियम की जरूरत है उतना वो है नहीं, इसलिए सभी देशों को जल्द से जल्द यूरेनियम की तलाश में जुटना होगा। उसी कड़ी में पुणे के IISER यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के वैज्ञानिकों ने समुद्री पानी पर ही अपना दांव लगाया और उससे यूरेनियम को अलग करने की कोशिश की, क्योंकि समंदर वो भंडार है जिसके पानी में यूरेनियम कूट कूट कर भरा है। अनुमान है कि पूरी दुनिया के महासागरों के पानी में 450 करोड़ टन से भी ज्यादा यूरेनियम मौजूद है, मतलब जमीन में मौजूद यूरेनियम के भंडार से करीब 1000 गुना ज्यादा। समंदर में मौजूद यूरेनियम इतना ज्यादा है कि 1000 मेगावाट के 1000 न्यूक्लियर पावर प्लांट 1,00,000 साल तक चल सकते हैं। और समंदर तो कभी खत्म होगा नहीं, यानी सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी की तरह न्यूक्लियर पावर भी हमेशा मौजूद रहेगी। इसी वजह से समुद्र का पानी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि समंदर में यूरेनियम के भंडार से पूरी दुनिया काफी पहले से वाकिफ है, लेकिन उसके पानी से यूरेनियम को निकाला कैसे जाए इस पर सभी देश सिर खुजा रहे हैं, क्योंकि चुनौती यह है कि समंदर से यूरेनियम निकालने की तकनीक बहुत महंगी और उसका तरीका बहुत ज्यादा जटिल है। इसी वजह से समंदर के पानी से यूरेनियम निकालने का आइडिया दशकों बाद भी हिट नहीं हो पाया है। इसी मुश्किल का समाधान निकालने के लिए पुणे के रिसर्चरों की टीम ने एक बेहद खास आयोनिक मैक्रोपोरस मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क तैयार किया। यह ऐसा तरीका है जो समंदर के पानी से आसानी से यूरेनियम निकाल सकता है। बताया गया कि रिसर्चरों ने मुंबई के जुहू बीच से अरब सागर का पानी इकट्ठा किया और 2 घंटे के अंदर 96.3% शुद्ध यूरेनियम निकाल भी लिया। दावा है कि मौजूदा तरीकों से यह नतीजा काफी बेहतर है। इससे किफायती दाम पर समंदर से यूरेनियम की अनलिमिटेड सप्लाई मिलती रहेगी।